मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में वोट करने वाले 204 विधायकों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले की जावद विधानसभा सीट से बीजेपी के एक वरिष्ठ विधायक ओम प्रकाश सकलेचा व उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्यसभा चुनाव में 206 विधायक शामिल हुए थे, जिसमें से कांग्रेस के एक विधायक पहले से ही कोरोना पॉजिटिव थे। अब सकलेचा को भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। ऐसे में बाकी बचे 204 विधायक और चुनाव प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को कोरोना का खतरा सताने लगा है। बीजेपी व कांग्रेस के सभी विधायकों के साथ ही ओम प्रकाश सकलेचा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सीधे संपर्क में रहे हैं। जिन विधायकों ने कल राज्यसभा के लिए वोट किए व वे अधिकारी जो पूरी चुनाव प्रक्रिया में शामिल थे, उन सभी में विधायक ओम प्रकाश सकलेचा व उनकी पत्नी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से ही हड़कंप मच गया है। विधायक अधिकारी व कर्मचारी ये सभी कोरोना के खतरे में हैं और अब अपना टेस्ट कराने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। भोपाल में आज 47 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जिनमें बीजेपी के एक वरिष्ठ विधायक ओम प्रकाश सकलेचा व उनकी पत्नी की रिपोर्ट भी शामिल थी। ये दोनों भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संक्रमित विधायक ने कल राज्यसभा चुनाव के दौरान वोट किया था। वे बीजेपी की बैठक और डिनर में भी शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि 16 जून से ही ये भोपाल में थे। सकलेचा का विधानसभा निवास क्षेत्र पहले से ही कंटेनमेंट एरिया बना हुआ है और वे पिछले कई दिनों से अपने फार्म हाउस पर रह रहे थे। बीजेपी विधायक सकलेचा व उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री अभी नहीं मिल पाई है। मगर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने अपना टेस्ट कराने की बात छुपाई थी? क्या उनको कोरोना के लक्षणों का कोई एहसास नहीं हुआ था, जबकि राज्यसभा चुनाव के दौरान कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए पूरी एहतियात बढ़ती जा रही थी? कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के बाद अब भाजपा विधायक ओम प्रकाश सकलेचा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सकलेचा के संपर्क में आने वाले 5 और विधायक जांच कराने के लिए शनिवार सुबह जेपी अस्पताल पहुंचे हैं। कोरोना पॉजिटिव विधायक सकलेचा के निजी सहायक गार्ड और ड्राइवर ने भी जांच करवाई है। 5 विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, देवी सिंह धाकड़, दिलीप सिंह परिहार, माधव मारू और दिलीप मकवान मंदसौर नीमच और रतलाम जिले के हैं। विधायकों ने बताया कि वे विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के संपर्क में आए थे। राज्यसभा चुनाव के अलावा पार्टी की बैठकों में भी शामिल रहे थे। एहतियातन हमने और स्टाफ की कोरोना की जांच करवाई है। 14 दिन भोपाल में ही एकांत में रहेंगे। आज सुबह सभी मुख्यमंत्री निवास शिवराज सिंह चौहान से मिलने जा रहे थे, तभी उन्हें विधायक सकलेचा के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिली और वे मुख्यमंत्री से न मिलते हुए सीधे हॉस्पिटल पहुंच गए। करीब 2 घंटे तक सभी की जांच प्रक्रिया चली और अब वे सभी अपने शासकीय आवास पर लौट गए हैं। देखिए, कोई घबराहट नहीं है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। और जब हमारे एक साथी को कोरोना पॉजिटिव का जानकारी आप ही के चैनलों के माध्यम से मिली है, तो मैं और देवीलाल जी धाकड़ और दिलीप जी मकवाना, हमारे तीनों विधायक, हम साथ में थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर हम बैठे थे अभी, और वैसे ही संदेश प्राप्त होना शुरू हुआ कि ओम सकलेचा जी हमारे संभाग के हैं। 2 दिन से हमारे वो साथ थे, कल भी मतदान में साथ थे, परसों भी पूर्व मंत्री पारस जैन साहब के जब हमारा लंच था, हमारा भोजन था, हमारी बैठक थी संभागीय करीब 13-14 विधायकों की, हम सब साथ उनके साथ थे। 2 दिन से हम लगभग साथ साथ थे भाजपा के कार्यालय पर, जब हमारी डेमो को लेकर के मीटिंग चल रही थी राज्यसभा चुनाव में कैसे मतदान करेंगे, तब भी वो हमारे आसपास ही थे। तो स्वाभाविक रूप से भोजन भी साथ में हमने किया, स्वाभाविक रूप से हमारी सीट के पास में बैठे, ये सब एक उसको लेकर के हमने फिर इस बात को लेकर के तीनों विधायकों ने तय किया कि चूंकि हम भोपाल में ही हैं, हम अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो जब इतनी बड़ी जानकारी मिल गई तो क्यों ना हम हमारा परीक्षण करा लें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।